ज्योति, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ। आज की रेसिपी में लेकर आई हूँ मैंगो सागो पुडिंग। चलिए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमें क्या क्या लगेगा उसमें। साबूदाना जो मैंने धो करके रखा है, ये है आधा लीटर दूध भैंस का, ये है मैंगो, मैंने एक मैंगो कट कर लिया है और एक मैंगो का मिक्सर में प्यूरी बना लिया है, चीनी, किशमिश, बादाम और पिस्ता। आप अपने मन का भी, जो आपको लेने का मन है ड्राई फ्रूट्स, आप वो भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने दूध गर्म करूँगी, जो मैंने आपको दिखाया अभी भैंस का आधा लीटर दूध लिया है मैंने। भैंस का दूध अच्छा रहता है, वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। कोई भी स्वीट बनाते हैं हम ज़्यादातर हम भैंस का मिल्क ही यूज़ करते हैं। अब हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे और हम इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें, अच्छे से थोड़ा सा थिक जैसा हो जाए उतना हमें पका लेना है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी हमें जब तक पकानी है, गल ना जाए जब तक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको ज़रूर मिल जाए। फ्रेंड्स, हमारे जो दूध है और दूध में चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। देखिए, हमारा दूध में बहुत ही अच्छा उबाला आ गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको हमें जब तक बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर देना है। देखिए, अब मैंने उसी पैन में पानी ले लिया है। अब पानी को बॉईल होने देना है अच्छे से। देखिए, पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। ये साबूदाना मैंने रात भर भिंगो करके अच्छे से धो करके रख दिया था, आप भी ऐसे ही कर दीजिएगा ताकि हमारा जो साबूदाना है इसको पकने में टाइम ना लगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 से 3 घंटे हल्के से गुनगुने पानी में भी छोड़ देंगे, फिर धो करके रख दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। और हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए या ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, मतलब दिखने ना लगे, अच्छे से हमारा जो साबूदाना है पक जाए। देखिए, साबूदाना पकेगा। हमको इसको कंटिन्यूस चलाना है क्योंकि पता है साबूदाना बहुत जल्दी जो सरफेस, जो नीचे का सरफेस होता है पैन का, उसमें बैठने लग जाता है, जलने लग जाता है, इसलिए हमको साबूदाना को अच्छे से चलाना है। देखिए, हमारा साबूदाना पक चुका है बहुत ही अच्छे से। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। इसको मैंने अच्छे से दूसरे कंटेनर में इसको मैंने छान लिया है। इसका सारा एक्सेस वाटर मैंने रिमूव आउट कर दिया है और इसको मैंने अच्छे से ठंडे पानी से धो दिया है ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। ये हमारा जो दूध था जो हमने अभी बॉईल किया था वो भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारा साबूदाना जो हमने पकाया था वो ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये डिश रियली बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनती है। आप ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं, उपवास जो हम करते हैं आप इसमें भी खा सकते हैं इसको। और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाली डिश है। आप इसमें कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं मैंगो के साथ, केला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको जो भी अच्छे लगते हैं फ्रूट्स वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें किशमिश डाल दिया, बादाम डाल दिया और ये पिस्ता डाल दिया। आप अपने मन का भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, डेट ले सकते हैं आप, खजूर ले सकते हैं आप, काजू ले सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। इसमें मैंने पेस्ट डाल रही हूँ मैंगो का। पेस्ट को मैंने हल्का दरदरा रखा है, पीसेस छोड़े हैं, बिल्कुल भी अच्छा सा पेस्ट नहीं, मैंने बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाया है, मैंने हल्के से चंक्स रखे हैं। आप देख सकते हैं इसमें चंक्स हैं। जब हम इसको खाएंगे, जब बाइट मुंह में जाएगा वो बहुत ही हमको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। हमारा डिश बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहा है। फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर प्रीटी रंग आ चुका है जब हमने इसमें मैंगो का पेस्ट ऐड किया है। बहुत ही अच्छा डिश बन के रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम इसको बहुत ही अच्छे से ठंडे होने के लिए फ्रिज में रख देंगे और हम बहुत ही ठंडा सर्व करेंगे इसको। देखिए, अब हमने इसको सर्व करने के लिए प्लेटिंग कर दिया है और जो हमने मैंगो के चंक्स काटे थे वो आप सर्व करने से कुछ देर पहले आप डाल सकते हैं बाउल में और आप इसको बिल्कुल चिल्ड सर्व कीजिए। इसको मैं ऊपर से गार्निश कर रही हूँ मिंट लीव्स के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी डिश पसंद आई है, मेरी रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी हमने देखा कि कितने आसान तरीके से मैंने मैंगो पुडिंग
बना के दिखाया है आपको। अब हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।